कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आप आराम से घर बैठे बनाएं और मिठाई का मजे ले और हमें भी बताएं कि जी हमारा मिठाई जो बिल्कुल बन के रेडी है और आप देख ही रहे हैं कि ये मम्मी, तो आज आप क्या बनाओगी? आज बनाएंगे सूजी का मिठाई। सूजी का मिठाई, ठीक है। Hey guys, this is Payal. Welcome to my National Group channel. और आज हमारे किचन में बन रहा है सूजी का मिठाई। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की रेसिपी भी मेरी मम्मी आपसे शेयर करेगी, तो चलिए चलते हैं, हमारे वीडियो को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं मिठाई बनाने की प्रोसेस को। तो सूजी का मिठाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप सूजी और उससे थोड़ा सा कप, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा चाहिए चीनी, मीठा आप आपके हिसाब से दीजिएगा, और 2 कप दूध, और यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है क्योंकि बाद में मैं और 1 कप ऐड कर दूंगी, और 2 चम्मच घी। ये है इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले कढ़ाई हम चढ़ाएंगे गैस पे और उस पे डालेंगे दूध 2 कप। फिर जब दूध हल्का सा गर्म हो जाए और इस तरह से बबल बनने लगे तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो हम इसे हल्का हल्का सा हिला के और इस तरह से जब थोड़ा सा चीनी डालेंगे, सूख जाए तो फिर हम इसमें हल्का सा चीनी डालेंगे, घी, और अब हम इसमें डालेंगे घी। दो चम्मच और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये हमारा रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। सूजी हम एक प्लेट पे निकाल लिए हैं और अब हम यहाँ पे बनाएंगे चाशनी। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप पानी और चीनी। चीनी आप आपके टेस्ट के हिसाब से लें, साथ ही में 1 इलायची, 1-2 वो आपको जैसा स्मेल पसंद है उस हिसाब से आप दे दें। जब सूजी हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे इस तरह से पका लेना है, वरना अगर ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो फिर ये इस तरह से नहीं बनेगी। देखिए हमारा चाशनी जो है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ हमको 1 या 2 तार का चाशनी नहीं चाहिए, बस चीनी अच्छे से घुल जाना चाहिए पानी में, बस इतना ही हमें चाहिए। अब हम फिर से कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। जब तेल हल्का गरम हो, बहुत ज़्यादा नहीं, तभी इसको डालना है, वरना ये टूट जाएगी। हाँ
हम इसे चाशनी में डाल देंगे। ये मेरी मम्मी मिठाई बनाते हुए। लाल लाल कितना अच्छा हो रहा है। घर में बनाइए और हमको बताइए कैसा बना है। आप इसको 15 मिनट के लिए रस में छोड़ दीजिए, उसके बाद खाइए। जब तक हमारी मिठाई जो है रस में डूबी हुई है, तब तक हम यहाँ चाय बनाएंगे। हमारा मिठाई जो बिल्कुल बनके रेडी है और आप देख ही रहे हैं कि ये कितना नरम और कितना सॉफ्ट है और खाने में भी लाजवाब है। आप जरूर इसे अपने घर पे बनाएं और ट्राई करें। होप आप सभी को हमारा आज का मिठाई का रेसिपी बहुत ही पसंद आया होगा। मिठाई में कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं है, बस सूजी और चीनी और दूध से ही आपका लाजवाब सा मिठाई बनके रेडी हो जाएगा। ना कोई एक्स्ट्रा खोआ, ना कोई मावा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप भी आपके घर में ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा रेसिपी, खासकर मेरी मम्मी क्या रेसिपी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेमेडी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।